लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। करिश्मा कपूर का चौंकाने वाला खुलासा, पति के दोस्त ने हनीमून पर लगाई थी कीमत। और फिर करिश्मा कपूर अपने पति संजय कपूर से तलाक ले चुकी है और सालों से अपनी बेटियों के साथ अपने पति से अलग रह रही है। करिश्मा कपूर खानदान की वे पहली महिला है जिसने शादी के बाद भी फिल्मों में काम किया है। करिश्मा 44 साल की हो चुकी है और आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। करिश्मा ने 90 के दशक में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी है। गौरतलब है कि करिश्मा ने अपनी पति से अलग होने के बाद और पहले कई संगीन आरोप लगाए थे। करिश्मा का आरोप था कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे और उन्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देते थे। करिश्मा ने तलाक के समय संजय से अपने और अपने बेटियों के लिए मोटी रकम ली थी। करिश्मा ने 2003 में संजय से शादी की थी, लेकिन 2016 में ये तलाक लेकर अलग हो गई। हाल ही में करिश्मा ने अपने पति को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर है कोई हैरान है। खुद करिश्मा ने बताया था कि वह जब शादी के बाद अपने पति संजय के हनीमून पर गई तो उनके पति ने अपने दोस्त से ही उनकी कीमत लगाई थी, जिसे वह सहन नहीं कर पाई थी। उसके बाद लगातार संजय के एक से एक बढ़कर खुलासे करिश्मा के सामने आने शुरू हो गए। करिश्मा ने बताया कि घर पर भी उनके पति संजय अपनी पूर्व पत्नी के साथ अय्याशी करते रहते हैं। वह अपनी पहली पत्नी के साथ फिर से लिविंग में रहने लगे थे। जब करिश्मा को यह बात पता चली तो उन्होंने सच जानने के लिए संजय से इस बारे में पूछा तो वे उनसे लड़ बैठे थे। इतना ही नहीं बल्कि करिश्मा ने अपने पति के कई और राज भी खोले थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो संजय की मां ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की थी, लेकिन वह ड्रेस मैंने पहनकर देखी तो वह प्रेगनेंसी की वजह से मेरी बॉडी में फिट नहीं आ पाई थी, जिस कारण से संजय ने उनको थप्पड़ तक मारे थे। संजय के इस तरह बढ़ते अत्याचारों की वजह से ही करिश्मा ने उनसे तलाक मांगा था। करिश्मा के दो बेटियां हैं जिनका नाम समायरा और किआन है। दोनों करिश्मा के ही साथ रहती है। करिश्मा ने यहां तक कहा था कि संजय का उनसे शादी करने का मकसद सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहना और पार्टी में शो ऑफ करना मात्र था। वह करिश्मा से कभी प्यार नहीं करता था।